इस बार द्वार से एक पुजारी लाए हैं, वो कैसे जीत सकता है? हुड्डा साहब बीजेपी को ढेर आना चाह रहे, हुड्डा साहब तो बहुआ चोर बनाना चाह रहे, बहुआ चोर बना रहे, चोर न तो हमारे है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, जेजेपी के जो प्रत्याशी हैं भूपेंद्र मलिक अपनी हजारों गाड़ियों काफिले के साथ दिखा दिए घुमा करके, एक बार हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला वहां पर पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे अपने काफिले के साथ नामांकन पत्र भरने के लिए जा रहे हैं? देखो, ये किसान कमेरे जी की लड़ाई है, जो आज किसान कमेरे का एक ही प्रत्याशी मैदान में है। किसान वर्ग आज उठ के आया है अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, और जो किसान की आवाज़ हमेशा सोनीपत लोकसभा से जाती थी, तो उसी प्रकार से आज सभी किसान भाई आज मेरे साथ आए हैं। बिल्कुल कम समय मिला था, बावजूद उसके लाखों व्यक्तियों का समर्थन है। देखे, खा पंचायतें हैं, किसान हैं, उनका समर्थन आपको मिलने लग रहा है लगातार? बिल्कुल, ये चुनाव बनता जा रहा है एकदम माहौल। ये जो अन्य पार्टियों ने बाहर के प्रत्याशी लाए हैं, ना कोई किसान वर्ग से आया, जो अब ये देख लिया है ये पार्टियां किसान जैसी हो ही नहीं सकती, तो इसलिए आज हमारे ऊपर भरोसा करके किसान भारी संख्या में आज जुड़ रहे हमारे साथ, और देखना एक तरफा माहौल हो जाएगा। बिल्कुल देख सकते हैं, साथ साथ में स्वागत किया जा रहा है जो लगातार जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से जो व्यक्ति जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं भूपेंद्र मलिक के समर्थन में, ये व्यक्तियों का जो समर्थन है ये देख सकते हैं, कहीं ना कहीं राजनीति चूल हिला दी है। अभी जनता पार्टी, बिल्कुल जननायक जनता पार्टी, भाई भूपेंद्र मलिक, भाई भूपेंद्र मलिक, भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर जय सिंह चौटाला, डॉक्टर जय सिंह चौटाला, भाई भूपेंद्र मलिक। बिल्कुल ये देख सकते हैं, लगातार गूंज से सोनीपत लोकसभा के अंदर राजनीतिक का हलचल काफी है। सर, युवाओं को लेकर के या शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के क्या विशेष रहेगा? देखिए, हमारे युवा नेता हैं, उनका शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया भविष्य में एक प्लान बनाया है। जब वो उप मुख्यमंत्री रहे तो गांव में डिजिटल लाइब्रेरी देने की उन्होंने पहल की, और बहुत गांव में डिजिटल लाइब्रेरी दी है, और जो बच्चे दूर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने जाते थे उनको गांव में ही वो माहौल देने की दुष्यंत चौटाला की सोच है। और जो मलिक साहब, एक बात है, ये कड़वा सवाल भी हो सकता है, कांग्रेस ने और बीजेपी ने उन दोनों ने क्षेत्रवाद की राजनीति करने का कार्य किया है। कुछ लोग कह रहे हैं जेजेपी की तरफ से भी कि एक ने सोनीपत से टिकट दी है और कांग्रेस ने उस तरफ से जींद से दी है। अरे हरिद्वार का जींद का पता दिखा दो, क्यों प्रचार कर रहे हो जी? उसका पता दिखा दो, उसके वोट दिखा दो, आधार कार्ड दिखा दो, तो कहने को तो कोई भी बाहर गा कह देगा मैं यहाँ का हूँ। उसने फॉर्म भरा है तो हरिद्वार का पता निकलवाओ, ये पता लग गया फोनो मारे आए हो जी, ये झूठा प्रचार कर रहे थे, अब तक तो मान रहे थे जींद का है, वो फॉर्म भरा, पता पोल खुल गई उसकी, हरिद्वार का पता दे रहा क्या थाना राम आश्रम कौन सा आश्रम का, वो तो पोल खुल गई, अब तक तो हम भी भरम देख लिया, यहाँ का हो फार्म भरे पाछे पता लग गया हो तो उड़ेगा है ना वोट ना आधार कार्ड। अभी अभी टक्कर किससे है भूपेंद्र मलिक की टक्कर किससे है? हमारी बीजेपी प्रत्याशी बडोली से है, कांग्रेस वाले तो हथियार डाल गए, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा पिछली बार हार गए थे, वो एक तोप चला के देख ली कांग्रेस के पास, जो सबसे बड़ी तोप थी वो नहीं जीती, इस बार द्वार से एक पुजारी लाए हैं, वो कैसे जीत सकता है? हुड्डा साहब बीजेपी को ढेर आना चाह रहे, हुड्डा साहब तो बहुआ चोर बनाना चाह रहे, बहुआ चोर बना रहे, चोर न तो हमारे है, चोर न तो हमारे है, हमें हुड्डा की हार का भी बदला हम लेंगे। आज किसानों का भी समर्थन आपको मिल गया? हाँ, किसान हमारे देवता हैं, भगवान है, सबसे पहले मैं किसानों के धरने पे गया, उनका आशीर्वाद लेगा आज फार्म भरने जा रहा हूँ। बिल्कुल किसानों ने मेरे को पूरा साथ देने का समर्थन दिया है और पूरा आशीर्वाद दिया है। चलो बात भूपेंद्र हुड्डा से पूछे, नुकदे किसान है धरने बाए हो तुम, जाट आंदोलन में कदे आयो, यू को मत हारा हो तो मेरे की था तुम्हारा, बावन दिन धरने चले, एक दिन जब बाबू बेटा कदे भी आयो थे, पहली गोली जाट आरक्षण में एसआर में
मरवाने का काम भूपेंद्र हुड्डा सरकार में कराया, छाती में गोली भूपेंद्र हुड्डा ने मुराई, और आज इनके मैं थार हूँ। जनता जाग चुकी है जी जी। एक जमुना का अटका, एक गंगा का अटका, बीच में थोड़ा सा अटका। चलो भाई देखो, भूपेंद्र मलिक के 36 बिरादरी को लेकर के चल रहे हैं, क्या अपील 36 बिरादरी से करना चाहेंगे? देखिए जी, ये 36 बिरादरी का चुनाव है, जो यहाँ रहते हैं 36 बिरादरी के लोग हैं उन्हीं का आपस में भाईचारा है जी जी। जो हरिद्वार और दिल्ली में रहते हैं उनसे क्या भाईचारा, जो यहाँ इस धरती पर रहते हैं उन्हीं का आपस में भाईचारा है, हरिद्वार वालों से क्या भाईचारा है। कई लोगों का जो वोट देंगे अपने भाईचारे को देंगे, नजदीक के को देंगे। कई लोगों का कहना कांग्रेस ने जातिवाद का कारण खेला कि ब्राह्मण की टक्कर ब्राह्मण को उतारा है। अरे फिर ब्राह्मण यहाँ नहीं थे क्या? किसान ब्राह्मण भी थे, इतने बड़े किसान ब्राह्मण है यहाँ, उनको देते। और किसान ब्राह्मण तो यहाँ कुलदीप शर्मा थे, जिन्हें फादर भी चार बार सांसद रह रहे, वो खुद स्पीकर रहे, उनको नहीं दिया। वो तो बीजेपी को जिताने के लिए डमी कैंडिडेट लाए, उनकी सेटिंग है इसी तरह करना। बीजेपी की सेटिंग है और दोनों राष्ट्रीय पार्टी, और ये देख लो प्रत्याशी ने गुड़गा में एक बम्बे से पकड़ लाए, नाचन वाले ने, हाँ नाचन गाने वाले ने, अड़ हरिद्वार से पकड़ लाए, करनाल में गुआने के नए छोरे लगे जिन्हें गुआने में नहीं जानता को, हम भी जानते गुआने में रहे। इनकी तो सेटिंग हो रही है, हमारी एक सीट को यार रोते काली कटवा दे, मोदी के पास हम जाके पड़ गया यू, अगर एक सीट या मारी मारी कटवा दे और बाकी सारी ले जाता हूँ। चलो जी ठीक है जी, और लगना रोते की भी नहीं। हरियाणा के पूरे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला थोड़ी ही देर में सोनीपत पहुंचने वाले हैं, ये तमाम तस्वीरें आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, जो गाड़ियों का काफिला है जो यहां पर पहुंचा है, इनसे बातचीत भी हम लगातार करेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। दूर दूर से व्यक्ति यहां पर पहुंचे। हाँ जी, कहां से आए हैं? बसवाड़ से। क्या क्या कहेंगे भूपेंद्र मलिक को लेकर के? जीत जाएंगे? जीतते हैं। अच्छा जीत जाएंगे। हाँ जी, तभी तो उल्टी कर लो, उल्टी क्यों लगा रहे हो? अच्छा क्या कहना चाहेंगे भाई? भूपेंद्र मलिक बढ़िया वोटों से जीतेगा। अच्छा अच्छा, चलो भाई देख सकते हैं दूर दूर से जो कार्यकर्ता है वो लगातार पहुंचने लग रहे, क्या कहेंगे भूपेंद्र मलिक? जीत जाएंगे? जिंदाबाद जी। जीता से आप? बैंसवाड़ से। बैंसवाड़ से आए हैं। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको? बढ़िया जी। चलो चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, वीडियो को शेयर करें ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो इंतजार के साथ, मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।